इन एनी केस इफ आई एम सेइंग लाइक दैट कि क्वेश्चन में आ जाए कि आपको सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच इज यूज इन दिस टेक्निक. ठीक है, चार ऑप्शन है, चार में ए एंड बी करेक्ट, मतलब दो ऐसे भी करेक्ट हो सकते हैं. आपको ये ध्यान देना है, जैसे सब्लिमेशन किस किस के लिए करते हैं, आप कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं सब्लिमेशन में, कैम्फर, ओडोनिल, नेप्थलीन, एक और अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, एसीटोन इज द सब्लिमेशन, सैनिटाइजर सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज व्हाट, वन स्टेट ऑफ मैटर बीच में से स्किप करने, वो डिस्टिलेशन है, वेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट. ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, कोलाइडल्स वाले में से क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट पे हो सकता है, मतलब क्वेश्चंस आर इन दिस फॉर्म. सो नो नीड टू वरी, जस्ट सी कि हमें उन्होंने पूछा क्या. चलो अगर हम अभी बात करें कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टूडेज टेस्ट, तो हमारे पास है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडर, राइट. इसमें मुझे बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट से, धीरे धीरे आराम से. प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, पहले हमने क्या दिमाग में रखना है, शुगर सॉल्यूशन. बच्चे अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इससे इजी नहीं होगा आपके लिए, इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड. Right? Keep the example in your mind, then you are able to write anything. कोई भी MCQ आ जाएगा, then you are easily solve. Solution example क्या है? Solution का example क्या है? Sugar या salt solution. What is sugar solution? पहला point हो गया homogeneous. होमोजीनियस, हम बात कर रहे हैं कि इतना होमोजीनियस, अगर वो होमोजीनियस, मैं सिंपली बोल रही हूँ बच्चे, वो लीव इट. सो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है, जो शुगर सॉल्यूशन है, व्हेन यू आर मेकिंग शुगर सॉल्यूशन, यू आर नॉट एबल टू सी विद योर नेकेड आई, वेयर इज शुगर, वेयर इज वाटर. हो गया दूसरा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज दैट वी आर नॉट एबल टू सी, ये थर्ड हो गया. ठीक है, पार्टिकल्स आर, आते हैं वहां पे, पहले सिंपल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स क्या कहते हैं, नॉट सीन बाय नेकेड आईज, एंड देन 10^-9 मीटर और 1 μm, नैनोमीटर और 10^-9 मीटर. ठीक है, वैल्यूज पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि गिवन है बुक में. फिर इफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट मीन इट विल नॉट शो द टिंडल. ठीक है जी, एक हो गया. अब इसी पे क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग या विच वन इज शोइंग द टिंडल इफेक्ट. चारों चीजें गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, वो तभी पॉसिबल है व्हेन द एग्जांपल इज इन योर माइंड. ठीक है, आपको सॉल्यूशन ही नीचे चार देके पूछ लिया, विच वन इज शोइंग. ठीक है, इधर दे दिया शुगर सॉल्यूशन, ब्लड कुछ ऐसा करके लिख के दे दिया, एंड वी आस्क कि इन विच द टिंडल इफेक्ट इज शोन. Getting my point? ठीक है, the particles are not filtered by this because particles are very small. These are dissolved properly, so these are the stable. They will not settle down at the bottom. अब इन्हीं 5 points में से आप खुद देख लो कितने MCQs बन सकते हैं. Getting my point? Right? हमने ये learn क्या करना है? सिर्फ ध्यान से उसकी characteristics learn करना है. और वो भी cram नहीं करने. Characteristics कौन सा कर रहे हैं? By keeping the example in your mind. सेकेंड आ गया सस्पेंशन. सस्पेंशन एग्जाम्पल सैंड इन वॉटर. ठीक है, क्या है सैंड? पहले सैंड इन वॉटर, दिस इज नॉट डिसॉल्व. ठीक है, हेट्रोजीनियस है, अगर डिसॉल्व नहीं है दैट मीन्स हेट्रोजीनियस है. पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन इट, अगर पार्टिकल्स बीच में घूम रहे हैं दैट मीन्स इट विल शो द टिंडल इफेक्ट. राइट, अगर टिंडल इफेक्ट भी शो कर रहा है, पार्टिकल्स घूम रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ अनस्टेबल. पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम. These can be filtered by the filter paper. These are seen by the naked eyes. Visible boundaries. ठीक है, how we can separate the suspension? By filtration. Questions वो ही है जो आपका टॉपिक है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का ढंग डिफरेंट. Getting my point? इसका साइज कितना है?
अच्छा बुक में नहीं है बट वी ऑलरेडी आई थिंक हमने करा हुआ है 100 नैनोमीटर राइट. अब आ जाओ कोलाइडल्स. व्हाट आर कोलाइडल्स? एग्जांपल ब्लड या मिल्क. मैं ब्लड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द ब्लड कंपोजिशन कि उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, सबको पता है ना. बट क्या हमें ब्लड देखने में सारा कुछ अलग नजर आता है? नो, इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट हेट्रोजेनियस. ठीक है, यही एमसीक्यू में डालते अगर हम. ठीक है, पूरी स्टेटमेंट ना डालें, तीन ऑप्शन अलग अलग करके लिख दिया तो यू हैव टू आइडेंटिफाई जो कोलाइडल्स को रेफर कर रहे. ठीक है, साथ में नीचे होगा 1 2 3 4 जो ऑप्शंस है ना, ऐसे नहीं होंगी. अगर दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन जिसमें दो करेक्टर्स उसको रिजेंबल कर रहे हैं तो नीचे आपके पास ऑप्शन होगी 1 और 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4. यू हैव टू पिक द राइट वन जो उसको शो कर रहे हैं. नेचुरली ऑप्शन जो है वो दो भी वहां पे मैच करेंगी तो वहां नीचे ऑप्शन होगी आपके पास कि ये दो स्टेटमेंट मैच कर रहे. ठीक है, अब इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, जल्दी से रिवाइज कर लो. कोलाइडल्स, ब्लड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट हेट्रोजेनियस. इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, राइट. पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ हेट्रोजेनियस, सो इट विल शो द टिंडल इफेक्ट. Then particles are unstable. They will not separate out by the filter method. या by filtration. क्या कह रहे हो? Not settle down. ठीक है, scatter करते हैं. Do not settle down. That can be separated by a process of filtration. A special technique that is used to separate the colloidals. Centrifugation. अदरवाइज फिल्टर पेपर है बच्चे, बुक का आई टोल्ड यू ना कि सी द बुक ऑल्सो, राइट. फिल्ट्रेशन इज द टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ओवर देयर, बट अ स्पेशल टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द कोलाइडर्स दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन. क्योंकि ब्लड एग्जाम्पल लिया, ब्लड को रोटेट करते तभी हमें एच बी आर बी सी ये काउंट पता लगते. ठीक है, दैट इज डन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग हियर? Up to here, okay, sure. चलो अब है इस बार आपको आने सेपरेटिंग टेक्निक्स नहीं आने, राइट. अब आ जाओ इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं आई थिंक आपके पास. हाँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस? इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर. Just keep in your this thing in your mind. मैं again and again repeat कर रही हूँ. Physical का मतलब होता है जो आपको visible है, that is physical. ठीक है, ये चीज याद रख. Physical means that is visible to you. Physical में इसका size आ गया, इसकी shape आ गई, इसका color आ गया, right? That comes under the physical. केमिकल दैट यू आर नॉट एबल टू सी क्योंकि उसकी अंदर की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में मैंने चौक को तोड़ दिया, दैट इज द फिजिकल. बट आई एम डूइंग, नो डाउट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि चौक जुड़ तो नहीं सकता. मैंने पेपर टीयर कर दिया, पेपर जुड़ेगा नहीं. तो हमारा एक पॉइंट होता है फिजिकल एंड केमिकल में, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो बच्चों को यहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ये एक पॉइंट होता है, इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन अराइज होती है. ठीक है, मैंने चौक ब्रेक किया, चौक इरिवर्सिबल जुड़ेगा नहीं. क्या ये केमिकल है? नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने चेंज किसमें करा? उसकी शेप में, उसके साइज में. तो साइज, शेप, कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट यू कैन सी. वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अगर आपको क्वेश्चन आए टीयरिंग ऑफ अ पेपर, दैट इज द फिजिकल चेंज. नो डाउट पेज वापस जुड़ेगा नहीं, लेकिन पेज पेज ही रहा, पेपर पेपर ही रहेगा, वो कुछ नया नहीं बना. नो डाउट वो इरिवर्सिबल है कि मैं उसको जोड़ नहीं सकती, मतलब उतने उसमें नहीं कर सकती, बट दैट इज अ फिजिकल. केमिकल चेंज व्हेन द इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज, जब आप उसको इंटरनली चेंज करते हो. ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ अ पेपर, दैट इज द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में
यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स, लाइक ऑक्सीजन यूज हो गई, वॉटर हो गया, दो चीजों को मिक्स कर दिया, ठीक है, दैट यू आर नॉट एबल टू सी. मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया, मिक्स हो गया, वॉटर बन गया, ठीक है, कांट सी. दैट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी अंदर की कॉम्पोजिशन चेंज, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. बात समझ आई? बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल और केमिकल, एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स वैक्स ही रहेगी, लेकिन व्हेन आई बर्न द कैंडल वो इवेपोरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, इट विल नॉट, वी विल नॉट एबल टू गेट बैक. सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स बेसिस ऑन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. समझ आई बात? एनी डाउट बच्चे? यहाँ पे है कटिंग ऑफ ट्री, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, फिजिकल, रस्टिंग ऑफ अल्मीरा, क्योंकि रस्टिंग में क्या यूज होता है, आयरन तो एक है ही है, ऑक्सीजन यूज हुआ, ऑक्सीजन इज लाइक जब यहाँ पे H2O एंड O2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द, मतलब फुल फॉर्म कह रही हूँ, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एक्स की जगह पे टू भी लिख सकते हैं. दिस इज द रस्ट फार्मूला, दिस इज रस्ट. इसका नाम क्या है अगर मैं इसको पूरा नाम बोलूं, इसके केमिकल्स को देख के, मतलब इसके सिंबल्स को देख के, आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ऑल्सो, ठीक. रस्ट वर्ड आ गया तो मैंने कब बता देती हूँ, मैंने पहले ही बोला आई डोंट नो बेटर है नहीं, रस्ट वर्ड आया तो आई जस्ट सॉ. अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर फ्रेम करना हो, रस्टिंग की एक सारी कंडीशंस गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट कंडीशन, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन और साथ में कार्बन डाइ, वो कुछ और ले लो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द ऑड वन आउट, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. अच्छा, उसके बाद है रस्टिंग ऑफ एल्मीरा के बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये केमिकल, क्योंकि स्टीम बन गई, दैट इज इवेपोरेट, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू गेट बैक. देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद द रॉ फ्रूट्स. क्या चेंज किया तूने? यू आर जस्ट कटिंग द एप्पल और योर वट एवर द फ्रूट्स एंड सैलेड, यू आर कटिंग, यू आर चेंजिंग इट्स शेप, राइट. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, समझ आ गया. आफ्टर दैट हमारे पास है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, क्वेश्चंस होंगे. एलॉयज का है एलॉयज, एलॉयज वर्ड है और एलॉयज की वो दी हुई है एक की कंपोजिशन, वो पूछनी आनी है. अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, द साइंटिस्ट हु यूज द टर्म, या हु यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, रॉबर्ट बॉयल. प्लीज ये वाला पेज ना अच्छी तरह, 25 पेज अच्छी तरह पढ़ना आज. हाँ 25 and 26 पेज को, 25 बहुत अच्छी तरह, नहीं तो सुनो हम रिवाइज कर लेते हैं, पांच है अगले चैप्टर में. Listen to me, we are revising it. Who gave that term, the scientist who, name the scientist who used the, sun lo, book mein hai. Name the scientist who used the term element in 1661. Robert Boyle, B-O-Y-L-E. Robert Boyle, who gave the term element in 1661. Phir hamare paas hai, Antoni Laurent Lavoisier, in a French chemist, was the first established experimentally used definition of an element. Ab who used the term? Robert Boyle
in 1661. Who defined the term element? That is Anton von, yeah, sorry, Laurent Lavoisier. ठीक है, that is the French chemist. ठीक है, in 1740. ठीक है, he experimentally used the definition of an element. ठीक है जी, he defined an element. अब उसने define क्या किया था? Definition will become in the MCQ form. ठीक है, you have to find out the exact definition. ठीक है, defined an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. He defined the term that the elements are the basic form of the matter. ऐसी matter की form है which cannot be divided or broken into simpler substances. उसको क्या कहा उसने? Element. Example, hydrogen. अगर मैं ले रही हूँ, इट इज नॉट, मतलब वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन, इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं करूंगी, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट. बट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस. दैट टर्म इज गिवन बाय एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर इन 1793 to 94. तो करेक्ट है, तो अगर सेम होंगे तो नीचे लिखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड. अब डिवीजन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तीन, metals, non-metals, metalloids. What are alloys? Are the mixture elements, the periodic table, we are having the three categories. No, metals are electropositive. जिसको अगर आपको learn करना है तो you can learn जो reactivity series हमने करी हुई है ना, फिलहाल आप उतने कर लो. Calorie नहीं, calcium मांगे करा ना, that is the metals. ठीक है, these are metals. अब सुन ले, सुन ले. Metals, they are having a luster. ठीक है, एक आप ले लो आयरन की, एक कोई भी ले लो, बोतल ले लो, स्पून ले लो, घर में आपके पास स्पून है, स्पून ले लो, लस्टर. ठीक है, आवाज आती है, इट इज सोनोरस. सोनोरस मींस प्रोड्यूसिंग साउंड. स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड. ठीक है, वन एमसीक्यू वाज देयर एट दैट टाइम, वॉयलिन एंड गिट, नहीं मैंने टेंथ का था, वॉयलिन लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ द वॉयलिन एंड द स्कूल, हमने क्वेश्चन दे दिया, स्कूल बेल्स एंड वॉयलिन आर मेड अप बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बोलो, सोनोरिटी होता है, वैसे वहां लिखा होगा तो सोनोरस के साथ है. बट मेटल्स आर मेलेबल ऑल्सो. मेलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स. ठीक है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, हम घरों में एल्यूमिनियम की लेयर्स करते हैं, गोल्ड के चीजें पहनते हैं, तो दीज आर मेलेबल. मेलेबल मीन्स कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स. डक्टिलिटी, वायर्स. अब जो मैंने स्कूल बेल वाला एग्जांपल बोला कि स्कूल बेल्स एंड द वॉयलिन यूज द प्रिंसिपल या बेस्ड ऑन दिस वन, वहां नीचे है सोनोरिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड ऑल. सोनोरिटी नॉट डक्टिलिटी, कि आप वायर्स पे चले जाओ कि उसकी वायर्स डक्ट आए. वो म्यूजिक, दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड, तो दैट इज बेस्ड ऑन द सोनोरिटी. क्लियर, समझ आया? देन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हमने पहले भी करा है कि अगर मैं सोडियम ले रही हूं, इट कैन, इट इज हैविंग अ वन, ये आप बाद में करोगे. इतना याद रखो, कैलरी नहीं कैल्शियम मांगे वाले जितने भी हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज. By losing electron, it acquires a positive charge. ये electrons lose करके positive charge लेते हैं. Non-metals are electronegative. वो electrons लेके negative charge. अब जब हम किसी से देखो कुछ मांगेंगे तो हमारे ऊपर हमें थोड़ा feel होता है ना कि मैंने मांग के लिया, तो आप अपने eyes नीचे ही रखते हो उसके सामने, तो negative हो जाता है हमें. जब आप किसी की help करते हो बार बार जाओगे, positive feel होता है कि मैंने उसकी help की. When you are giving इलेक्ट्रॉन्स यू एक्वायर पॉजिटिव, ले रहे हो नेगेटिव. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव.
राइट right? फिर मेटल्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, आपको एग्जांपल मैंने बता दिया, बट नेम द मेटल, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, राइट? मर्करी इज द मेटल दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है? नॉन मेटल्स, नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, नॉन सारा कुछ उल्टा उल्टा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, आपकी बुक में है नहीं है? है नहीं है ना? नहीं है. लो मेल्टिंग नॉन मेटल्स था एग्जाम्पल. नॉन मेटल कोल, कोक, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, वो नोबल गैस है. ये चार पांच लिख लो नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, नॉन मेटल्स में ना चार पांच लिख लो, कार्बन, वो कंपाउंड है क्या, हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पी सिंबल लिख लो ना, फास्फोरस. एक ना और मैं बता देती हूँ, लर्न कर लो, एक राइम की फॉर्म में है, दीज आर ऑल्सो नॉन मेटल्स, ठीक है? कौन से, सुनो, फिर कल बाहर आई आत्मा या आंटी, जो भी लर्न करना, ठीक है? ये पीरियोडिक टेबल जब हम करेंगे टेंथ में तब आपको समझ आ जाएगा, बट दीज आर नॉन मेटल्स. इसमें ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, राइट? लर्न मत, इसको तो चाहे आप ना भी करोगे चलेगा, राइट? नाउ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब ये सारे नॉन मेटल्स डल इन अपियरेंस होते हैं ना, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर डल, यानी कि नॉन लस्ट्रस, बट दिस इज द एक्सेप्शन. आयोडीन नमक में होता है, इट इज लस्ट्रस, ठीक है? सो वी कैन डू लाइक दिस. फिर उसके बाद हमारे पास है मेटालॉइड्स. व्हाट आर मेटालॉइड्स? विच आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मिक्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द मेटालॉइड्स. इसमें एग्जाम्पल करो, लिखो इसके एग्जाम्पल मेटालॉइड्स के. जर्मेनियम, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेल हो गई, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द नॉन मेटल्स.